आत्मवंदन मास्टर्स, मैं प्रीति उतेकर मुंबई से हूँ। 2 महीने पहले रजिस्ट्रेशन किया था अपने डार्क रूम मेडिटेशन का, तो बहुत एक्साइटेड थी कि कब जाऊँ और 8 दिन कंटिन्यू पट्टी बांध के करना है 24 आवर्स, वो भी सब अकेले में यहाँ पे, मतलब सबके साथ लेकिन घर से दूर। तो वो थोड़ा एक्साइटमेंट बहुत अलग था मेरा कि क्या एक्सपीरियंस रहेगा, कैसे रहेगा। 24 घंटा बैठना है पट्टी लगा के, और 41 डेज का तो मैंने 29 जून से कंटिन्यू किया है, अभी तक चालू है मेरा। एक दिन भी मैंने मतलब मिस नहीं किया है मेडिटेशन मेरा रात का। तो यहाँ पे आने के बाद जब भी पहले 2 दिन मेडिटेशन तो बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन बहुत दर्द था सर में, मतलब पीछे से लेके आगे तक पूरा सर है ना, पूरा गोल गोल पेन, बहुत पेन था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। लेकिन फिर 2 दिन के बाद महिमा मैम ने दोपहर को योग निद्रा लगाई थी। योग निद्रा मुझे बहुत पसंद है, मैं रेगुलर करती हूँ। तो योग निद्रा में सर जैसा बताते हैं कि आपको पत्थर के जैसा बैठना है, और जहाँ पे भी पेन है वहाँ पे अपनी स्माइल, चेहरे पे स्माइल रखते हुए वहाँ पे पूरा ध्यान लेके जाइए। तो मैंने फिर वही किया, चलो आज वही ट्राई करते हैं, इतना दर्द है तो देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम क्या है। और फिर सर जैसे बताते हैं कि उस पेन को फील करो, उसके साथ हो जाओ, महसूस करो कि क्या हो रहा है। तो मैंने जैसे ही अपने सर के अंदर झांकना शुरू किया तो वहाँ पे प्रबोध सर खड़े थे। तो मैंने उनको पूछा, सर ये क्या है, क्यों इतना पेन हो रहा है मुझे, मुझे तो मेडिटेशन करना है भाई, अभी इतना दो दिन तो ऐसे ही गए, लेकिन बाकी 5 दिन भी करना है मुझे। तो सर ने मुझे बोला कि कितना कचरा है यहाँ पे, उसको निकालो पहले। तो फिर मैंने सच में मेडिकल कॉटन लिया और एकदम सिंसियरली वहाँ पे साफ सफाई चालू कर दी। फिर उसके बाद बहुत कुछ खींच रही थी मैं वहाँ से, योग निद्रा खत्म हो गया, फिर डायमंड मेडिटेशन लगाया मैडम ने, फिर भी मेरा वो काम चल रहा था, बस मैं कचरा खींच के निकाल रही हूँ। बाद में मैं थक गई, बोला भी बस जितना हो गया ठीक है। लेकिन जब डायमंड मेडिटेशन खत्म हुआ ना, उसके बाद मैंने फील किया कि मेरा पेन पूरा चला गया था, मतलब वो सर दर्द जो था पूरा 2 दिन कंटिन्यू था वो बिल्कुल गायब हो गया था। और उसके बाद आज तक तो मुझे अच्छे से मतलब मेडिटेशन में कुछ प्रॉब्लम आया ही नहीं। और इस वक्त क्या फील हो रहा है पूछोगे तो मैं बोलूँगी सब प्यार ही प्यार नज़र आ रहा है, बस ब्रह्मानंदम परमानंदम और आनंद ही आनंद, बाकी कुछ नहीं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को और प्रबोध सर को भी, धन्यवाद। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं माधवी बड़ोड़ा से। बुढ़ाकेशा का ये इनर लाइट वर्कशॉप करने की अंदर से इतनी इच्छा थी और वो घटित हो गया। इन 8 दिनों में मैंने ये समझा कि हम अपनी लाइफ में आँखों से, विचारों से और बोलने से कितनी एनर्जी हमारी डिप्लीट होती है, जो यहाँ पे हमने आँखों पे पट्टी बांध के इन तीनों दरवाज़ों से जा रही एनर्जी को हमने स्टोर किया अपने में। और ये एनर्जी हमें हमारे बॉडी में जो एब्जॉर्ब हुई है, और उस एनर्जी से अगले दिनों में, आने वाले दिनों में वो क्या असर दिखाएगी वो हम सब देखेंगे। जब मैं यहाँ आई तो दूसरे दिन मुझे मेरे नेक में थोड़ा पेन था, मैंने सर से बताया कि मेरे नेक में पेन हो रहा है। तो गुरुदेव ने मुझे कहा कि आप क्या गुड़ाकेशा कर रहे हो क्या, मैंने कहा हाँ। बस उतनी ही बात हुई, पता नहीं, मैं इन 8 दिनों में अपने जगह पे लेटी नहीं हूँ, मैंने बैठ के साधना की है, और सिर्फ 2 दिन में ही मेरा नेक पेन, जो मैं मूव नहीं कर पा रही थी, राइट लेफ्ट अप डाउन नहीं मूव कर पा रही थी, वो पेन पूरा चला गया। तीसरे दिन मुझे जब पता चला कि मेरा ये पेन नहीं है, मैं इतनी खुश हुई कि ध्यान साधना करने से हमारे शरीर के जो पेन्स है वो खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। इतनी एनर्जी हमें मिलती है कि वो एनर्जी जहाँ ज़रूर है वहाँ जाके हीलिंग करती है। ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा, जो सर ने बताया था कि आप खड़े रह के साधना करो,
मैंने पूरी 8 दिन में बैठ के साधना की और बीच बीच में थोड़ी देर खड़े होके साधना की। तो ये खड़े होके साधना करने से हम पूरा विचारों पे फोकस कर पाते हैं, वो विचार नहीं आते हैं। साथ में हम अपने सांस के ऊपर भी काम कर पाते हैं, हमारी सांस भी बहुत धीरी हो जाती है, ये मैंने महसूस किया। ऐसा वर्कशॉप अगर फिर से करने को मिले तो ज़रूर करना ही चाहिए। सभी से निवेदन है कि आप इसे ज़रूर करें। गुरुदेव के चरणों में जो हमें मिलता है वो सच में अवर्णनीय है। मैंने इन दिनों में मेरे फिंगर्स के ऊपर जो सेंसेशन महसूस किया, अद्भुत था, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा ध्यान सिखाने के लिए। मेरा जब से मैं गुड़ाकेशा में आई हूँ मेरा पूरा जीवन ही बदल गया है। मेरा गुस्सा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, मैं हर पल हर क्षण स्माइल कर सीखा है। और अभी इनर लाइट मेडिटेशन तो बहुत ही अमेजिंग था। मुझे पहले दिन से ही मेरे थॉट बहुत ही कम हो गए थे और मुझे सिर्फ अपनी सांसें दिख रही थी, मुझे अपनी बॉडी तो फील ही नहीं हो रही थी। और बीच में 2 दिन मेरे बहुत ही कमर में दर्द रहा, फिर धीरे धीरे कम हो गया और आज पूरा ही रिलीज हो गया है। और मैंने ये एक्सपीरियंस गुड़ाकेशे में देखा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। जब मैं घर से निकली तो बारिश हो रही थी, अचानक ही मैंने सोचा कि मुझे बस में बैठना है, वेट करना है तो बारिश बंद हो जाए तो अच्छा है। अचानक ही बारिश बंद हो गई। और मेरा एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस ये है कि मेरे हस्बैंड कभी भी ध्यान नहीं करते थे, उनको ध्यान के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जब मैंने घर में 8-10 घंटे ध्यान करना चालू किया तो वो अपने आप ही ध्यान करने लग गए। और आज मार्च महीने में मैंने शिवरात्रि के दिन हम गए थे श्रेगाम, तो सर की एनर्जी से वो कनेक्ट हुए और आज 7 महीने हो गए वो लेटे नहीं है, बैठ के ही गुड़ाकेशा करते हैं। और उनका इतना अच्छा, मैंने उनसे पूछा कि आपको 7 महीने में क्या अच्छा लगा, तो मुझे बोलते हैं कि मुझे बहुत गहरी नींद आती है, पहले ऐसी नींद कभी नहीं आई। और मैंने ये भी देखा है कि जब हम गुड़ाकेशा करते हैं तो हमारे फैमिली मेम्बर्स बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं साल में इस बार मैं 4थी बार यहाँ आई हूँ, मुझे घर में किसी ने मना नहीं किया। मेरा बेटा है 14 साल का, वो मैंने उसको बोला बेटा आपकी जितनी उम्र है आप उतना मिनट ध्यान करो, तो बोलता है मम्मी मुझे 15 मिनट में सिर्फ 2 ही थॉट आते हैं। और मेरे अंदर से इतना, मैं यहाँ आई हूँ मेरे अंदर से आनंद की तरंगे उठ रही हैं। ये मेडिटेशन सबको करना चाहिए, बहुत ही अमेजिंग है। थैंक यू। गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा नाम माधुरी दिघे है, मैं गांधीनगर गुजरात से हूँ। ये जो वर्कशॉप की इन्फॉर्मेशन आई व्हाट्सएप पे, तो ध्यान तो करते हैं 4 साल से, पर इसमें क्या है क्या करना है कुछ भी मुझे पता नहीं था। पर मेरी बेटी ध्यानी है और PMC गुजरात से भी वो जुड़ी हुई है, तो एक्चुअली उसे ही आना था, लेकिन कुछ सर्विस के इसमें उसको इतनी छुट्टियां नहीं मिली, तो उसने मेरे नाम से रजिस्ट्रेशन भी कर दिया और मेरे को बोला कि कुछ भी हो तुम्हें भले ही कुछ पता नहीं चले पर वहाँ जाना ही है और 8 दिन से पहले वहाँ से आना नहीं है। तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, इतना सीवियर मेरे को बैक पेन था और पेट में इतना दर्द था कि कुछ भी खाया पिया पेट में रहता नहीं था। बैठती थी चेयर में तो भी 15-20 मिनट के बाद मैं उठ जाती थी। घर पे मैं इतनी मतलब ऐसी मेरी कंडीशन थी, तो मैंने उसको बोला कि भले ही रजिस्ट्रेशन किया है मुझे नहीं जाना है, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी। तो उसने मेरे को इतना डांटा कि ऐसे नेगेटिव क्यों बोलती है,
वहाँ तू चली जा, कुछ भी होता है तो वापस आ जाना, पर एक बार तो तेरे को जाना ही है। और यहाँ आने के बाद जैसे सर ने गाइड किया कि भोजन पका हुआ मत लो, तो फ्रूट पे ही मैंने शुरू कर दिया कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। और क्या बताऊँ आपको कि चार दिन के बाद धीरे 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 मेरा दर्द चौथे दिन तो बिल्कुल गायब हो गया। मैं बैठ नहीं सकती थी कुर्सी के सिवा, कुर्सी पे भी मैं ठीक से नहीं बैठ सकती थी, तो मैं नीचे पालथी मारकर आराम से बैठ के मैंने मेडिटेशन किया। और ये जो गोल्डन मेडिटेशन जो सर करवाते हैं, तो उसमें आज मुझे लाइट दिखी और मुझे इतना आनंद आया। और एक मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस ये रहा कि पता नहीं वो क्या था, मुझे नहीं पता, लेकिन सर गुरुदेव हमारे बस आकाश में ऊपर ऊपर जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि मुझे भी आना है, मुझे भी आना है, और मैं भाग कर उनके पीछे पता नहीं कैसे ऊपर चली गई और उनके पैर मैंने इतने जोर से पकड़ लिए। तो काफ़ी ऊपर जाने के बाद उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और उनके साथ मुझे लेके कहाँ गए, वो आज तक उनके साथ ही मैं ऊपर घूम रही हूँ। अब वो मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे पता नहीं, पर जैसे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है तो मैं बोलती हूँ सर जिंदगी भर और जिंदगी के बाद भी कभी छोड़ना नहीं, ऐसे ही पकड़ के रखना, ऐसे ही आपके आशीर्वाद हमेशा मिलते रहे। और इतने सुंदर अनुभव, इतना सारा टेंशन, चिंताएं, दुख सब लेके मैं आई थी और अब बहुत खुशी खुशी मैं अपने घर जा रही हूँ। तो गुरुदेव का बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पहला तो बहुत हंसने की बात होती है, हंसना इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि सारे दिन हंसते ही रहो, हंसते ही रहो। जब हम दुख में होते हैं तो हंसने का भूल जाते हैं, पर ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। यहाँ इतना मिला, इतना मिला के अब शब्द नहीं मिलता है कि कैसे भूल हम दुख को याद करें। फिर यहाँ के सब लोग ने बहुत अच्छा प्रेम से हमको इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया कि सोच ही नहीं सकते। अने ध्यान, ध्यान एक एवी वस्तु छे कि जे करवा थी अपन ने सारी उम्र भूल जाते हैं, छोटे बच्चे की तरह ही ध्यान करना ही अच्छा लगता है। सारे दिन ध्यान ही करो, ध्यान ही करो, ध्यान ही करो। और सर ने बोला वॉकिंग मेडिटेशन करने का, तो वॉकिंग मेडिटेशन में मुझे क्या है कि मैं इधर उधर तो नहीं घूम सकूं, मेरी आंख में पट्टी है, तो मैं मेरी जो भी पथारी लगी थी उसमें ही चलती थी। जब चलती थी तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरे साथ फूलों की बाली में मैं चल रही हूँ, चल रही हूँ, चल रही हूँ, और आगे आगे रास्ता इतना अच्छा मिल रहा है, इतना अच्छा मिल रहा है। पहाड़ियों के साथ में मैं घूमती रहती घूमती रहती। पहले दो तीन दिन तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाती, कुछ नहीं कर पाती। हार्दिक भाई ने बोला, महिमा मैन ने बोला कि मुझे सर को मिलाओ ना, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मिलाओ मिलाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर अभी तीन दिन से जब केवल कुंभक करवाया तब से मैं सब कुछ भूल गई, सब कुछ भूल गई, इतनी आगे बढ़ गई, इतनी आगे बढ़ गई कि अब मुझे कुछ सर को पूछना नहीं है, कुछ नहीं करना है। अब वो ही मुझे आगे ले जाएगा, यहाँ से आगे हर हर वो ही मुझे ले जाएगा, वो ही मुझे ले जाएगा, जहां जाना है जैसे जाना है वो मुझे ले जाएगा। सबको धन्यवाद, गुरुदेव को धन्यवाद। आत्मानंद डियर मास्टर्स, इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन महसूस हो रही है। मेरा नाम शबीता है, मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। जब इनर लाइट मेडिटेशन रिट्रीट के बारे में पता चला, वैसे गुड़ाकेशा में दो साल से कर रही हूँ और नई नई चीज़ें करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब इस रिट्रीट के बारे में पता चला तो मुझे लगा ये मुझे करना चाहिए, बट एक और भी बात पता चली थी कि इसमें आपको जितने भी दिन रिट्रीट रहेगा उतने दिन आपको आँखों पे पट्टी बांधनी पड़ेगी।
लगा कि इट्स क्वाइट हार्ड, ये हो ही नहीं सकता, हम अंधों के जैसे कैसे क्या काम करेंगे, हम ब्लाइंड थोड़ी ना है, हम कैसे क्या वॉशरूम जाएंगे, नहाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, उठेंगे कैसे। कहा गया कि वॉलंटियर्स हेल्प करते हैं, कितनी हेल्प करेंगे, देयर इज अ लिमिट। तो लगा कि नहीं, इट्स टू हार्ड। फिर लगा कि ठीक है, कर जाने में कोई हर्ज नहीं है, जाना चाहिए। पहले मैंने मुंबई के लिए रजिस्टर किया, हिम्मत नहीं हुई, नहीं गई। फिर हैदराबाद के लिए रजिस्टर किया, फिर भी नहीं गई। फिर जब अहमदाबाद के लिए आया, पता चला कि अहमदाबाद में है, तो मैंने मेरी एक फ्रेंड को बताया कि इस तरह का रिट्रीट है, चलोगी क्या? तो उसने हाँ बोल दिया। एंड वो गुड़ाकेशा नहीं कर रही है और मुझे गारंटी थी वो ना बोलेगी, लेकिन उसने हाँ बोल दिया। मुझे लगा मजाक कर रही है, और उसने रजिस्ट्रेशन, उसने ट्रेन की बुकिंग कर दी, और मेरे ऊपर कंपल्शन आ गया कि अरे वो मेरी वजह से ट्रेन की बुकिंग कर चुकी है, मैं क्या करूं। तो मुझे भी करना पड़ा, मैं उसकी वजह से एक्चुअली यहां पर आई, अदरवाइज इस बार भी मैं टालने वाली थी, कैंसिल करने वाली थी, पर मैं उसकी वजह से यहां पर आ गई। आने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, इज टू 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 ईजी, इतना आसान है, आंखों पे 8 दिन पट्टी बांधना, ऐसा लगा ही नहीं कि आंखों पे पट्टी है, क्योंकि सर ने जिस खूबसूरत तरीके से सिस्टम बनाया है, या जो वॉलंटियर्स हैं जिस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं हर वक्त, पूरी रात यानी 24 घंटे वो हमारे लिए तैयार रहते हैं, हमारी हेल्प करने के लिए, थोड़ा सा भी एक क्षण के लिए भी महसूस नहीं हुआ कि इट्स हार्ड। नो, इट्स नॉट हार्ड, इट्स वेरी इजी। एक्चुअली मुझे इस वक्त बहुत हाई वाइब्रेशंस महसूस हो रही हैं, मैं प्रबोध सर के नज़दीक कभी नहीं बैठी हूँ, और यहाँ आने से पहले जिस स्टेज पर प्रबोध सर बैठे थे हमें उस पर बिठाया गया, और जैसे ही मैं वहाँ पर बैठी मेरी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होने लगी, और अभी तक वो वाइब्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है मुझे नहीं पता, बट फीलिंग लॉस ऑफ वाइब्रेशन। पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मुझे पता चला कि जब आंखों पे पट्टी बंधी थी तो हम जितनी बार भी बॉडी मूवमेंट्स करते थे या हम हंसते थे तो बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन महसूस होती थी, हाई फ्रिक्वेंसी महसूस होती थी। फिर हम जॉगिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई भी बॉडी मूवमेंट्स कर रहे हैं, ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया मैंने। और एक जो खूबसूरत बात मैंने कई बार सुनी थी जो मुझे मेरे आचरण में कभी नहीं उतरी, मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी अनीता मुरजानी की, जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस के ऊपर बुक लिखी थी, और उन्होंने कहा था उन्हें कैंसर था और उन्हें पता चला कि अगर मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगी तो मेरा कैंसर खत्म हो जाएगा। और मुझे ये पता था कि खुश रहने से बहुत फास्ट हीलिंग होती है, खुश रहने से हम अच्छी चीजें अट्रैक्ट करते हैं, खुश रहने से वो सब समस्याएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन मेरे मन में सवाल था कि अगर मेरे जीवन में दुख है तो मैं खुश कैसे रह सकती हूं, जब समस्याएं जाएंगी तो खुश रहूंगी ना, ऐसे कैसे क्या खुश हो जाऊं। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, खुश रहना हर चीज की, हर समस्या का ट्रीटमेंट है। तो यहां पर मैं महसूस कर रही थी, आनंद को तो महसूस कर ही रही थी, और कल सर ने कहा था कि अगर आपको हंसी नहीं आ रही है तो झूठ मूठ में हंसो, हंसी आ जाएगी। और एक मास्टर होता है, एक ग्रैंड मास्टर होता है, एक ग्रेट मास्टर होता है, सर ने कहा। कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि मैं ये नहीं कर पा रही हूं, वो नहीं कर पा रही हूं, तो सर ने बताया कि जो मास्टर होता है, जो डिसाइड करता है वो कर पाता है। और मेरे लाइफ में हमेशा ऐसा होता है कि जो मैं डिसाइड करती हूं वो मैं कर पाती हूं। तो मुझे इतना अच्छा लगा, एक तो मुझे पता चला कि यस आई एम अ मास्टर, और दूसरा मुझे पता चला कि मैं खुश रह सकती हूं। जब मैंने ये सोचा था कि मैं अकारण खुश नहीं रह सकती, तब मेरी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी थी। आज मेरी लाइफ में कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हैप्पी नहीं थी। यहां आने के बाद मुझे कंटिन्यू एक ही रिमाइंडर मिल रहा था कि अकारण आप खुश रह सकते हैं, और मैं 2 दिन से बहुत खुश हूं, और 2 दिन से मुझे लग रहा है कि जब भी आपको समस्या महसूस हो आप डांस करो, आप बहुत ज्यादा हंसो, नहीं आ रही है हंसी फिर भी हंसो, और उससे हमारी हीलिंग होती है, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर्स उपस्थित हैं उनका अनंत कोटि धन्यवाद करना चाहूंगी, प्रबोध सर का अनंत कोटि धन्यवाद, इतना खूबसूरत रिट्रीट बनाया कि आंखें बंद करके भी हम 8 दिन जी सकते हैं, मोबाइल के बिना भी हम जी सकते हैं, हमारे जीवन में दूसरा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है तो भी हम बहुत खूबसूरत तरीके से जी सकते हैं।
और हम इंजॉय कर सकते हैं, हम मेडिटेशन को इंजॉय कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ आंखें बंद करके बिना बात किए भी हम इंजॉय कर सकते हैं। इससे खूबसूरत चीज कोई और हो ही नहीं सकती है। स्पिरिचुअलिटी की सबसे हाईएस्ट अगर कोई चीज होगी तो यही होगी कि आंखों पर पट्टी है, मौन में है, लेकिन हम भरपूर आनंद में है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच प्रबोध सर, थैंक यू वॉलंटियर्स, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथ मास्टर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं कामिनी पटेल अहमदाबाद से हूँ। इस वर्कशॉप में आने के पहले 4-5 दिन तो मैं अपनी साधना को अच्छी तरह से कर ही नहीं पा रही थी, पर उसके बाद उस जर्नी में इतनी तेजी आई कि मैं बता नहीं सकती। मुझे बॉडीलेस एक्सपीरियंस भी होने लगे और मेरा जो भी पेन था सब चला गया। ग्रैंड मास्टर के छोटे छोटे जो टिप्स हमें दिए जा रहे थे उसके माध्यम से हम गहरे ध्यान में उतर पा रहे थे। और एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मेरी आज्ञा चक्र पर एक हल्की सी मुझे व्हाइट लाइट दिखाई दी। थोड़ी देर के बाद एक बड़ा सा मुझे सुरंग दिखाई दिया, मैं उसमें चलते जा रही थी और उसके बाद मुझे एक मैदान बड़ा दिखाई दिया। उसके आजू बाजू बड़े बड़े पर्वत थे और उस पर्वत पर छोटे बड़े बहुत से पेड़ लगे हुए थे और आजू बाजू छोटे छोटे जैसे कि गांव में जो झोपड़े जैसे मकान होते हैं वैसा पूरा गांव मैंने देखा। और दूसरा एक्सपीरियंस है मेरा कि मेडिटेशन के समय पर मेरे बॉडी में से इतने सारे वेव्स आ रहे थे, वो वेव्स धीरे धीरे इतने बढ़ रहे थे उस वेव्स के साथ मेरा बॉडी भी और बढ़ता जा रहा था और मैं पूरी धरती पर जैसे वेव्स के साथ बढ़ती चली जा रही थी। तो यही मेरा एक्सपीरियंस। और इतनी अच्छी जर्नी के साथ हमें इस साधना में आगे बढ़ाने के लिए ग्रैंड मास्टर का दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। और ऐसे ही हमें आगे बढ़ाते रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जब इनर लाइट वर्कशॉप का फिक्स हुआ अहमदाबाद में, मेरा नाम वीना जाडेजा है, मैं नवसारी जब महिमा ने वर्कशॉप किया था तब से जुड़ी थी। लेकिन हमारी ट्यूब लाइट होती है, कभी जुड़ते हैं फिर छूट जाते हैं, फिर जुड़ते हैं फिर छूट जाते हैं। लेकिन इस बार आने के बाद ऐसा लगता है कि बस हम इसके लिए ही आए हैं, क्योंकि 2021 में पत्री सर 16 और 17 को अहमदाबाद आए थे, तब हमारे पत्री सर के साथ मीटिंग हुई थी तो सर ने बोला था ये ध्यान ऐसा है बाबा कि आपका खाना भी छूट जाएगा, आपका सोना भी छूट जाएगा और आपका बोलना भी छूट जाएगा। तो ये गुड़ा केस में आने के बाद सच में ऐसा लगता है कि यही प्रॉपर ध्यान है, क्योंकि मैं और ध्यान से जुड़ी थी, फिर पत्री सर से कनेक्शन हुआ, फिर अभी सर चले जाने के बाद कुछ खालीपन लग रहा था, क्या करें कैसे आगे बढ़ेंगे। तभी जीवन में प्रबोध सर आए और उन्होंने जैसे हाथ पकड़ लिया है। शिष्य छूट जाते हैं लेकिन गुरु नहीं छूटते, ये मेरा अनुभव रहा है। और मैं यहाँ 2-3 दिन के लिए आई थी क्योंकि घर की सिचुएशन ऐसी थी कि नहीं आ रहा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने सब संभाल लिया और मैं यहाँ इतने दिन रुकी। अभी ऐसा लगता है कि हम कितने बाहर हैं, हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए। जब आँख पे पट्टी लगी तो इतना हिमालय और फूलों की वादियाँ, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस रहे। तो वैसे हम बहुत घूमने नहीं जा रहे लेकिन बस ध्यान करके हम जा सकते हैं, ऐसा इस बार बहुत अच्छा लगा। और मेरा अनुभव बहुत अच्छे अच्छे लग रहे थे लेकिन मुझे कन्फ्यूज़न था कि ये अनुभव सही है। तभी सर बोलते हैं वेरी गुड, तभी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये एस्ट्रल हो रहा है। लेकिन सर वेरी गुड बोलते हैं तो सच्चे हो रहा है, क्योंकि मुझे बचपन से पंखी होके उड़ना बहुत अच्छा लगता था कि इतना हल्का शरीर होता तो कितनी दूर दूर हम जाके कितने आकाश में मजा आ रही होती। और उसी दिन रात को मैं ये जैसे यही था शायद, मैं बहुत उड़ रही थी और दूसरे लोगों को भी बोल रही थी आ जाओ, और इतना मजा आ रहा था जो मेरी लाइफ में ऐसा कभी आनंद नहीं आया।
और बहुत सारी छोटी छोटी अनुभूति हुई है, लेकिन बस गुरुदेव की कृपा हम पर बने रहे, बस साधना में आगे बढ़ना है, बस गुरुदेव हमें आप हाथ पकड़ के रखना, क्योंकि हम जो संसार में है इसमें भटक जाते हैं, बहुत सफरिंग होती है, तो हम नहीं कर सकते। तो अभी ऐसा लगा कि ये वर्कशॉप करने के बाद इतना अंदर से आनंद आया है कि हम दूसरों को भी बता सकते हैं कि कितना हम लोग सफरिंग में जीते हैं, तो बस मुस्कुराहट, जैसे सर है ना छोटे बच्चे जैसे है, मुझे तो ऐसा लगा कि मैं उसकी माँ हूँ। पहले गुरु वाला नहीं लग रहा था कि मैं उसकी माँ जैसा मैं जब फीलिंग आ रहा था, फिर धीरे 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 बस एक गुरु जैसे हमें आगे बढ़ाए, बस हम आगे बढ़ते जाए। ये इनर वर्कशॉप सच में सबको करना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी लगा कि मैं इस बार कर लिया, अभी मैं सेवा में जाऊंगी, क्योंकि इतना ये लोगों का सेवा का भाव देखकर अच्छा लग रहा है कि बस सेवा ही करनी है। और इतना आनंद कि पूरे दिन हम भूल गए थे कि रात है दिन है, क्योंकि वो तो पता ही नहीं चलता था। तो इतना आनंद से हम इतने दिन रुके, बहुत मजा आया। खाने में भी अभी पता चल गया कि हमें क्या खाना है, क्या सोचना है, क्या करना है, हमें औरों को कैसे आगे बढ़ाने में हेल्प करनी है, वो ये वर्कशॉप करने के बाद पता चल गया कि सर हम आपसे जुड़े रहे, वो आपके ही हाथों में है, हमें आपसे जुड़ना। थैंक यू सर। कोटि कोटि नमन गुरुदेव। मैं नेहा भट्ट, अहमदाबाद से, वैसे तो केन्या अफ्रीका में रहती हूँ, और फिलहाल यहाँ अहमदाबाद से आई हुई हूँ। ये इनर लाइट जो वर्कशॉप के बारे में पता चला, और यहाँ 3 दिन के लिए ही मैं आई, अगर पूरा 7 दिन किया होता तो क्या ही चमत्कार होता जो 3 दिन में मिला मुझे। हम लोग ध्यान की ये जो साधना कर रहे हैं, मैं 3 साल से जुड़ी हुई हूँ इसमें, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैंने अनुभव किया, अनुभूति की। आंखें बंद करनी चाहिए क्योंकि 80% एनर्जी चली जाती है, सुनते भी थे और कहते भी थे और आंखें बंद कर लेते थे, बट इतनी सही तरीके से जो आंखें बंद की है वो पहले कभी नहीं की थी। जहाँ बाहर सब कुछ ढूंढते रहते हैं, वहाँ अंदर की जो लाइट है वो आज जो पाई है। आंखें बंद थी, उसके ऊपर पट्टी लगी हुई थी, पर ऐसा लग रहा था कि कोई चश्मा की फ्रेम लगी हुई है और उसके अंदर से मैं पूरा पिक्चर देख रही हूँ। कभी कभी होता था कि हाथ आंखों पे रख के चेक करें कि पट्टी है कि नहीं, बट फिर भी बहुत सारे पिक्चर दिख रहे थे और बहुत ही सुहाने पिक्चर दिख रहे थे। तो अंदर की जो आँखें है वो खुली, वो बहुत ही अच्छी अनुभूति रही यहाँ आके। दूसरा, हर एक पल में पत्री जी जैसे समझाते हैं हमें कि हमें सिर्फ आंखें बंद करके बैठे वही ध्यान नहीं है, खुली आंखों से भी ध्यान में रहना है। वो चीज़ें सर को देख के ही समझ में आ जाती है, वो बार बार हमको 1 मिनट हुई नहीं 2 मिनट हुई ध्यान में ले जाते हैं। हंसते हुए रहना, आत्मा का जो नॉर्मल जो स्वरूप है आनंद प्रेम, वो हमें उन्होंने समझा दिया कि हमेशा आनंद में रहना यही नॉर्मल है। हम लोगों ने उसको एबनॉर्मल समझ लिया था, बट वो नॉर्मल है, उसकी अनुभूति सर ने करवाई यहाँ पे। हम सांसारिक जीवन में जीते जीते ये सब भूल जाते हैं, पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और अगेन वहाँ के वहाँ आके खड़े रह जाते हैं। सर ने समझाया कि कैसे आप संसार में रहते हुए भी हमेशा आनंद में रह सकते हैं, एनर्जी कैसे आपको अपनी बना के रखनी है, हर एक सेकेंड हर एक मिनट आनंद में रहने का तरीका सिखाया यहाँ पे। खाना खाते वक्त भी हम लोग बस खाना खा लेते थे, यहाँ पहली बार टाइम ही टाइम था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, ना कोई टेंशन था, ना घड़ी देखते हैं, ना मोबाइल देखते हैं, ना रात ना दिन, सब एक ही था। तो खाना खाते वक्त भी आनंद से खाया, एक एक निवाले को महसूस करते हुए खाया, कितनी बार चबाते वो काउंट किया, कौन सी चीज़ को ज़्यादा बार चबा सकते हैं, कैसे उसको
घोल के एक पानी की तरह घोल दिया और फिर खाना खा, क्या उसका स्वाद है, वो सब समझ में आया। तो जीवन जीने का जो तरीका हमें चाहिए वो यहाँ सीखने को मिला। एक दिन कल दोपहर की बात है, गोल्डन फॉर्मूला का मेडिटेशन लगा हुआ था, मैं चेयर पे बैठी हुई थी, दोनों पैर चेयर पे ही रखे हुए थे दूसरी चेयर पे, और मुझे कुछ समय से राइट लेग में साइटी का पेन की दिक्कत है, दूसरे पैर में भी थोड़ी सी दिक्कत है कुछ। तो एकदम से जब मैं अवेयरनेस में आई तब पता चला कि मैं सो गई थी शायद, मुझे कुछ भान नहीं था, पर जब अवेयरनेस में आई तब मैंने फील किया कि मेरे वो पैर में जहाँ साइटिका का पेन है वो सिवियर हो रहा है, दूसरे पैर में भी सिवियर पेन हो रहा है, पूरा पैर जैसे खींच रहा है, अनबेरेबल पेन था। बट फिर सर की बात याद आई कि हर एक चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, एन्जॉय करना है, और यही मोमेंट था कि जिसकी मैं वेट कर रही थी कि यहाँ आके वो पैर के दर्द को मैं रिलीज़ कर दूँ। और सच में थोड़ी देर तक वो जो पेन था उसको एन्जॉय करती रही। थोड़ी देर बाद जब मैंने पैर नीचे धरती पर रखा तो वो दर्द गायब था। सो मतलब जो चाहते हैं हम ही हमारी रियलिटी के क्रिएटर है, वो भी प्रूफ मिल गया मुझे कि मैंने चाहा कि मुझे पैर का दर्द ठीक करना है तो मैं कर पाई, सर ने जो तरीका सिखाया उससे। सो हर एक मोमेंट में, हर एक घड़ी में हम भगवान हैं और हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, और उसी स्थिति में 24 आवर्स जीना है, वो जीने का तरीका सीखने को मिला है। इसके लिए लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड सर, कोटि कोटि नमन आपका।